वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक। सो आज का हमारा सेकेंड लास्ट डे है कश्मीर में और हम लोग हैं इस टाइम गुलमर्ग में। सो आज का सीन ऐसा है कि अभी हम लोग जा रहे हैं वर्ल्ड हाईएस्ट गंडोला राइड पे। वहाँ पे बहुत सारी स्नो एक्टिविटीज़ हैं तो उसका मज़ा आपको देंगे, बट उससे पहले चलिए चलते हैं, नाश्ता करके आते हैं एंड फिर आप लोगों से मिलते हैं। सो गाइज, आज का ब्रेकफास्ट जो है वो थोड़ा लाइट रखते हैं, तो मैंने लिया है पोहा सैंडविच एंड चाय। तो चलिए इसको निपटाते हैं, चलते हैं गंडोला राइड। गाइज देख लो, ये स्नो मंकी भी देख लो आप लोग भाई, इनको ठंडी नहीं लग रही है। ये देखो जरा हट्टा कट्टा, एक नंबर। कल पड़े हैं गंडोला राइड की तरफ और वॉक करते हुए जा रहे हैं। स्नोफॉल हो रही है बहुत ही अच्छी और क्या नाम है, आप देख सकते हो आसपास पूरा वाइट ही हो रखा है। हम लोग फुल कवर होके जा रहे हैं यहाँ से, बहुत ही मज़ा आ रहा है। यहाँ से हमारे होटल से 2 किलोमीटर है गंडोला राइड तक का रास्ता और बहुत ही सही लग रहा है। चलो चलते हैं वहाँ पे, क्योंकि अभी थोड़ा सा स्लिपरी भी है तो वहीं जाके आपसे कंटिन्यू करता हूँ। मुनी कैसा लग रहा है? बहुत सही यार, बर्फ में चलने का एक्सपीरियंस ही अलग है। चलिए गाइज, वहीं जाके मिलता हूँ आपसे गंडोला राइड के पास। गाइज इतना अच्छा लग रहा है, आप ये सामने देखो कैसे पूरा फॉग हो रखा है, यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा है और ये प्रकाश और दीपिका खड़े हैं सामने और हम लोग चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है वॉक करके यार। ऑप्शन था स्लेज का, एटीवी का, बट हमने वो ऑफ नहीं किया, हमने वॉकिंग का ही सिलेक्ट किया क्योंकि बहुत ही मज़ा आ रहा है। दीपिका बहुत मज़ा आ रहा है। ये तो भालू बनी पड़ी है भाई पूरी। आगे आने दो, आजा मुनी आगे आ तू ज़रा। बट गाइज बहुत स्लिपरी है, हाथ पकड़ पकड़ के चलना पड़ रहा है। मुनी आजा। और पता है चल के ना इतनी गर्मी आ गई, लगी नहीं रहा कि हम इतनी स्नो के अंदर खड़े हुए, पर आप देखो यार, मतलब मैं बोल रहा था ना कि हर जगह का जो है वो उसका अलग ही एक्सपीरियंस है। ये सेम एक्सपीरियंस आप सोनमर्ग और पहलगाम में नहीं ले सकते हो, क्योंकि ये एक हाई अल्टीट्यूड वाली जगह है। आई थिंक वी आर अराउंड 7,000 फीट अबव सी लेवल, तो उस वजह से। बट यार अमेजिंग फीलिंग है यार, बियॉन्ड इमेजिनेशन है ये जगह यार, बहुत अच्छी। इन दोनों को देखो। प्रकाश तो पहचान में ही नहीं आ रहा है। चलिए गाइस चलते हैं, अपने सफर को कंटिन्यू करते हैं। सो आज हमारे साथ जा रहे हैं हिलाल भाई और हमको ये गंडोला राइड तक लेके जाएंगे। और भाई स्नो तो बहुत पड़ी है। हिलाल भाई अभी और कितनी दूर रह गया? अभी यहाँ से 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर और रह गया, तो पैदल चल रहे हैं। पैदल चलते हुए बहुत मज़ा आ रहा है। हिलाल भाई हमारे लिए टिकट ले लेंगे गंडोला की और फिर आपको सीधा मिलते हैं आप गंडोला राइड के पास। हम ऐसे साथ चल रहे हैं तो दीपिका को एक गाना और याद आ गया ऐसे मोमेंट पे। चलो दीप, 1 2 3 हम साथ साथ हम साथ चार है। बोला चल जाके इलाज कराओ। तो गाइज ये है हमारी गंडोला जाने की एंट्रेंस और यार देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, मतलब एंट्रेंस ही इतनी खूबसूरत बनाई हुई है। और हमको वहाँ कहीं पे जाना है ऊपर गंडोला से और बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है और स्नो ने ना इसके ऊपर 4 चांद लगा दिए हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। सो गाइज चल रहे हैं हम लोग गंडोला राइड की तरफ और यहाँ से हमारी लगेगी लाइन गंडोला राइड की। बहुत एक्साइटेड है उस चीज़ के लिए क्योंकि वो सबसे बेस्ट पार्ट है हमारे गुलमर्ग ट्रिप का। तो चलिए चलते हैं और आपको भी एंजॉय करवाते हैं गंडोला राइड। तो ये आ गई है हमारी गंडोला जिसमें हम जाने वाले हैं, चलिए अंदर चलते हैं। चलो 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 बैठ गए, ये आ गए हम गंडोला में। आ जाओ आ जाओ, ये देखो सारे चढ़ गए, और भाईजान भी आ गया। हाँ कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। अब ये पकड़ेगी स्पीड, मैं आपको दिखाता हूँ। को डर लग रहा है। ऑसम फीलिंग मुनी। गाइस देखो कितना सुंदर लग रहा है बाहर से, बहुत ज्यादा शांति है और इतना अच्छी लग रही है ना ये शांति,
और ये साथ में व्यू यार भाई बहुत सही। ये कुछ मैडम दीपिका कुछ बोल रही हैं। दीपिका बताइए। गुलमर्ग में सब कुछ एक जैसा है, अगर कुछ पीछे छूट गया, अगर कोई भी छूट गया है तो आपको बिल्कुल भी अफसोस करने की जरूरत नहीं, आपको बिल्कुल आगे वैसा ही मिलेगा। वाओ, तो थोड़े से कैमरे में देख लो। सो गाइस पहुंच गए हैं और जा रहे हैं बाहर। सो गाइस हम लोग स्लेज करने जा रहे हैं अभी स्कूटर राइड के पास, स्नो स्कूटर तक, तो स्लेज पे बैठते हैं चलो। सो गाइस चल पड़ी हमारी स्लेज, मेरा मैं स्लेज के ऊपर और पीछे आ रही है दीपिका और बहुत ही सही है, बहुत सही फीलिंग है यार। अभी हम इसी स्लेज पे 7 किलोमीटर्स की जंगल राइड पे भी जाएंगे तो वो भी बहुत सही लगने वाला है गाइस, आप लोगों को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देने वाला हूँ मैं यहाँ से। और ये आ गई पीछे दीपिका, जंगल का राइड मिलेगा। दीपिका डर लग रहा है गाइस, अब स्लोप आने वाला है और स्लोप पे नीचे जाने वाले हैं और ये आ गया स्लोप और ये भगे हम तेजी में। ये यहाँ पे मैं गिर चुका हूँ स्लेज से। अरे यार चलो उठाए फिर से। गाइस बहुत फॉग हो रहा है बट स्टिल अगर आप सामने देख सकते हो तो ये जो गंडोला है ये स्कीइंग के लिए है और ये आधे पहाड़ तक छोड़ दिया है, वहाँ से लोग स्कीइंग करके आते हैं, हमें तो आती नहीं स्कीइंग तो हम तो नहीं जा रहे। हम जाएंगे इस पे जो कि है स्नो बाइक और आपको स्नो बाइक का एक्सपीरियंस देते हैं। सो गाइस बैठ गए हम लोग अपने अपने स्कूटर पे और हम जा रहे हैं अब कौन सी राइड पे, स्नो राइड एंड इट स्टार्टेड। और ये भाईजान हमको लेके जा रहे हैं वापसी में, हम भी चलाएंगे और बहुत सही लग रहा है यार। और यहाँ से व्यू देखो आप, मतलब बहुत ही सही लग रहा है। और ये आ गई पीछे मोनिका और उसके पीछे दीपिका, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार। और गाइस ये आ गया प्रकाश चलाते हुए। बहुत ही शानदार गाइस यहाँ तक तो आ गए, बहुत मजा आया। अभी तो भैया ने चलाई है, अब चलाएंगे हम लोग तो आप उसका मजा लेना। सो गाइज आपने देखा कितना मज़ा आया स्नो बाइक चला के, और मैं बता रहा हूँ अगर आप गुलमर्ग आ रहे हो ना, लॉन्ग राइड और स्नो राइड तो ज़रूर करनी है, बहुत अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग। और सबसे अच्छा तो तब लगा जब हम लोगों ने खुद चलाई वो। मैंने तो ऑलमोस्ट सारी खुद ही चलाई है, मैंने बोला तुम अच्छा चलाते हो। पर यार बहुत ज़्यादा मज़ा आया, सब ने चलाई, मोनिका ने भी, दीपिका ने भी और मैंने भी चलाई और बहुत सही लगा। अब हमारा सेकेंड चीज़ है जंगल राइड जो कि स्लेज के थ्रू होगी, तो अभी चलते हैं जंगल राइड की तरफ, बट उससे पहले कुछ खा लेते हैं, भूख लग गई, बहुत थक भी गए हैं। चलो इस अभी अंदर आ गए हैं और यहाँ पे बुखारी चल रही है, इतना अच्छा लग रहा है, मतलब बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, आपने देखा बहुत फॉग भी हो रखा है, स्नोफॉल भी हो रहा है, यहाँ पे आके ना रिलीफ मिल रहा है बहुत ज़्यादा। मेरा तो फेस पूरा वो स्नो राइड से ना एकदम ऐसे जम सा गया था। सो अभी यहाँ पे आए हैं कुछ खाते हैं। सो ये आ गया हमारा कश्मीरी पुलाव, वाह इतनी ऊपर में कश्मीरी पुलाव खाने का मज़ा बहुत ही अलग है। तो ये देखिए सब कुछ ख़त्म कर दिया, इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, भर गया पेट, दीपिका पेट भर गया,
खाना बहुत बढ़िया था। मैं बाहर जाके आपको दिखाऊंगा कि कौन सा रेस्टोरेंट था ये। यहाँ से हमने खाना खाया था, बहुत स्वाद खाना था, मैक्सिकन रेस्टोरेंट। अगर आप गुलमर्ग आ रहे हो ऊपर तो यहाँ से जरूर खाना खाना। जब हम आ गए हैं स्लेज करने, जो कि है जंगल राइड, यहाँ से वो भी मैंने सुना है बहुत ज़्यादा फन है, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस जाता है। एक बार तो मैं उससे गिर चुका हूँ, आपने पहले देखा होगा, पर चलिए चलते हैं जंगल राइड की तरफ। स्लेज शुरू हो चुकी है और इधर उधर हो रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। ये पूरी जंगल सफारी है स्लेजिंग पे। मैं ज़्यादा देर तक व्लॉग नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ना बार बार गिर रहा हूँ मैं, क्योंकि डिसबैलेंस हो रहा है व्लॉग के चक्कर में, तो बहुत मज़ा आ रहा है। आप देख सकते हो भैया लेके जा रहे हैं बढ़िया करके, और अल्टीमेट फन है भाई, अल्टीमेट फन। गाइस बहुत मज़ा आ रहा है। अभी कैसा है, थोड़ी सी स्लोप है तो इसलिए उतर गए, पर अल्टीमेट फन है यार, अल्टीमेट फन। मैं व्लॉग नहीं बना पा रहा क्योंकि पूरा टाइम जो है पकड़ के बैठना है, हो पूरे बाल बाल घी गए। नहीं आ रही है स्लेजिंग करते हुए कैसे लग रहा है मोनी? बढ़िया। ये बैठी दीपिका, व्यू देखो, इस व्यू में हम स्लेजिंग कर रहे हैं। ये दीपिका आगे लेट गई, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बैठ चुका हूँ फिर से स्लेज पे और बिलाल भाई खींच रहे हैं मुझे, बिलाल भाई की ताकत के लिए। ये देखो ये चले आ रहे, टक्कर टक्कर, ओए टक्कर हो गई, टक्कर हो गई, टक्कर हो गई, बच गए और ये मैं गिर गया। तो गाइस आगे स्लेजिंग करके बहुत मजा आया, कैसा लगा? अच्छा भी लग रहा था लेकिन डर भी बहुत था। मेरे तो देखो गाइस बाल पूरे ऐसे हो गए, जम गए बिल्कुल बर्फ में, क्योंकि वो बट लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, जरूर करना चाहिए प्रकाश। बिल्कुल करना चाहिए भाई, कोई भी चीज मिस मत करो, यहाँ पे अगर आ रहे हो तो सब कुछ करना है। बहुत मजा, बहुत मजा। सो गाइस अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, एंड स्पेशल थैंक टू बशीर एंड रॉयल पार्क, बहुत अच्छी सर्विस थी। और आप देखो होटल भी बहुत ही प्यारा है, मतलब आप अगर आपको गुलमर्ग आना है तो आप रॉयल पार्क में ज़रूर स्टे करना। सो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ पे, चलिए मिलते हैं फिर से। सो गाइज आपने देखा आज हमको कितना मज़ा आया। इसके बाद हमको जाना है श्रीनगर फिर से अपने शिकारा पे और हाउस बोट पे, सॉरी हाउस बोट के ऊपर। सो फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ क्योंकि अभी सिर्फ ट्रैवल है श्रीनगर तक का, तो वहाँ पे दिखाने के लिए कुछ नहीं है। बट ये वीडियो अगली जो कंटिन्यू होगी वो होगी श्रीनगर हाउस बोट से। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बिना तो बिल्कुल मत जाइएगा। सो विद दैट सेड आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय, टाटा एंड bye-bye with the beautiful view of Gulmarg. See you. सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं।